उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं कोरोना की सबसे डराने वाली रिपोर्ट की। देश में कोरोना के रोजाना केस 2.25 लाख को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो करीब 1,80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और ये लगातार चौथा दिन है जब 1 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। कल के मुकाबले आज 16,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। कल 1,69,000 के करीब कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटे में देश में 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं जबकि 146 कोरोना मरीजों ने जान गंवाई है। कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में पॉजिटिविटी रेट 13.29% पर पहुंच गया है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7,23,619 पर पहुंच गई है। अब बात देश में आज से शुरू हुए कोरोना के बूस्टर डोज की करते हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। कोरोना वॉरियर्स और 60 साल से अधिक उम्र के अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग इसके हकदार होंगे। देश के 6 शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली मुंबई समेत देश के अधिकांश शहरों में तीसरी डोज की खुराक की शुरुआत आज से हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इन्फेक्शन की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और इसी को लेकर प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव के चलते चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर माना गया है। तो ये दिल्ली मुंबई लखनऊ बेंगलुरु जयपुर पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आज से प्रिकॉशन डोज की भी शुरुआत कर दी गई है। मुंबई के गोरेगांव की बात करें तो बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जहां काफी संख्या में लोग वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए पहुंच रहे हैं। गोरेगांव सेंटर से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुंबई सहित पूरे देश में आज से प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है और ये बूस्टर डोज उन 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को दिया जाएगा जो कोमॉर्बिड के मरीज हैं या जिन्हें किडनी लीवर हार्ट या हाई शुगर की बीमारी है और ऐसे जो बुजुर्ग हैं उन्हें मुंबई के इसी गोरेगांव के नेस्को कोविड सेंटर में ये बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। ये तीसरा डोज है जो 9 महीने के पहले जिन्होंने दूसरी डोज ली है ऐसे सीनियर सिटीजन को हेल्थ वर्कर को और फ्रंटलाइन वर्कर को ये बूस्टर डोज दिया जा रहा है। 1,81,000 पात्र लोग हैं मुंबई में जो ये बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज ले रहे हैं। ये लाभार्थी पहले ही वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं। अभी आपको वैक्सीन दी गई, आपकी तीसरी डोज लगी है? तीसरी डोज लगी आपकी? इसके पहले दो डोज लिया हाँ। ये तीसरा है? हाँ तीसरा है। तो ये दोनों डोज लेने के बाद कभी आपको कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई। कोविड वगैरह कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत जरूरी है ऐसा बोलते हैं? हाँ हाँ जरूरी है। खुश है आप? हाँ खुश है, बहुत खुश है। तो ये बहुत खंडों में इस नेस्को कोविड सेंटर को डिवाइड किया गया है और अलग अलग जो खंड है यूनिट है वहां पर अलग अलग जो बोर्ड लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। और हम देख सकते हैं किस तरह से यहां पर वैक्सीन देने के बाद जो लोग हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर वेटिंग एरिया में बैठते हैं। तो निश्चित तौर पे एक अच्छी शुरुआत है ये बूस्टर डोज की, तीसरे डोज की, जीवनदायिनी डोज की। इसे प्रिकॉशनरी डोज भी कहा जा रहा है, बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है और जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं और सीनियर सिटीजन हैं वो इसको लेने के बाद और ज्यादा कोरोना से लड़ाई लड़ने में मजबूत होंगे। कैमरामैन सचिन के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।